अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यूनिट 9, कोर्स कोड 8610। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एट द एंड ऑफ द यूनिट ट्रेनी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इलेबोरेट द मीनिंग्स एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बाइफरकेट द एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, you will be able to provide remedial measures for individual differences through general educational provisions and special educational provisions, and the last objective is you will be able to take care of slow learners and finally be able to measure individual differences through various evaluation tests and techniques. Overview of the unit is, as you look within yourself and or the people around you, you realize that you are a very special and unique beings. Nobody else is in the world is quite like you. Nobody else in the world has the same physiological equipment, the same genetic code, unless of course you are an आइडेंटिकल ट्विन्स। अगर आप आइडेंटिकल ट्विन्स में हैं तो फिर ये डिफरेंसेस कम होंगे। और हैज़ एक्सपीरियंस द सेम सीक्वेंस ऑफ लाइफ सिचुएशंस, नोबडी एल्स यूज द आइडेंटिकल ब्लेंड डिफेंस मैकेनिज्म दैट यू यूज व्हेन इनकाउंटरिंग स्ट्रेस, एंड नोबडी एल्स इज गाइडेड बाय द एग्जैक्ट मिक्सचर ऑफ मोटिव्स, एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स। Thus, one of the basic theme of physiological is that of individual differences. No one is exactly like anyone else, except in terms of the needs of the human species. That you eat, drink, breathe, sleep, exercise, and require same physiological needs. The difference that occurs among children of the same age is in then maturational and learning process. The task of the school is to provide for the common needs of the students with taking into account the unique characteristics of each individual. No easy situation to task has yet been found. However, knowledge about the kinds of differences is becoming more complete. आपको मुख्तसरन बता देती हूँ कि जैसे हर इंसान एक जैसा है, सेम इस बात पर कि सभी खाते पीते सोते और सबकी जो नीड्स हैं फिजियोलॉजिकल कुछ ऐसी हैं जो सेम है, जैसे खाना पीना सोना, ठीक है, शेल्टर। लेकिन बहुत सारे मामलात में हम डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं, डिफरेंट सीन्स सिनेरियोज होते हैं हमारी लाइफ में, डिफरेंट मोटिवेशंस होती हैं हमारी लाइफ में, तो उनके तहत हम रिएक्शन भी हमारे डिफरेंट होते हैं। इस वजह से जब हम एक डिफरेंट इंसान हैं तो हमें डिफरेंट तरीका चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए और बच्चों से डील करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ड्रेवर जेम्स के बकौल, वेरिएशंस और डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप with respect to the mental or physical characters occurring in the individual number of the groups are individual differences. यहाँ तक क्लियर हो गया डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक और हम देखते हैं स्किनर की, टूडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। अब हम जो टोटल पर्सनैलिटी है उसके अंदर जो जो, जैसे हम आईक्यू लेवल को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल एज को हम मेजर कर सकते हैं, आपके वजन को, हाइट को, ठीक है, इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस भी अब एक ऐसी चीज़ है जिनको मेजर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू स्किनर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हम वर्ड्स के देख रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर स्ट्रेट्स।
तो हम किस किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख सकते हैं इंसानों में कि वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, उनकी खूबियाँ डिफरेंट होती हैं, फिजिकली भी होते हैं, वो तो हम पहले जिक्र कर चुके कि मेजरेबल हैं चीज़ें, मेंटल एबिलिटीज और नॉलेज के लिहाज से ऑफ कोर्स एंड हैबिट्स के लिहाज से हर इंसान एक डिफरेंट खूबियाँ रखता है। नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द फाइंडिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मेजरमेंट्स हैव एडिकेटली डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडिविजुअल कैन नॉट फॉल इंटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल ट्रेट। ऑन द अदर हैंड, ऑल मेजर्स ऑफ इंडिविजुअल वेदर दे बी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल शो दैट दे टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑन ईच साइड ऑफ इट्स सेंट्रल टेंडेंसी द मीन। जस्ट एज मैनी पर्सन्स आर अबव द एवरेज एज आर बिलो इट, स्टार्टिंग विद द लोएस्ट स्कोर देर इज अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन्स मेक ईच नेक्स्ट हायर स्कोर ग्रेजुअली डिक्रीज अंटिल द हाइएस्ट स्कोर इज रीच्ड। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है और किया गया है। एक है विरासती इनहेरिटेड एंड एक है जो आपने हासिल किए ज़िंदगी के तजर्बात से जिनमें आप तब्दील जिनको आप तब्दील भी कर सकते हैं एक्वायर्ड। इनहेरिटेड में हम देखें विरासती में फिजिकल डिफरेंसेस होंगे, मेंटल डिफरेंसेस होंगे एंड टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होंगे, और एक्वायर्ड में हम देखेंगे कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एजुकेशनल एंड इमोशनल डिफरेंसेस हैं। एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पहला हमने देखा फिजिकल डिफरेंसेस, शॉर्टनेस और टॉलनेस ऑफ स्टेचर, डार्कनेस और फेयरनेस ऑफ कम्प्लेक्शन, फैटनेस, थिननेस और वीकनेस और वेरियस फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने देखा कि किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, किसी का कम्प्लेक्शन फेयर है, किसी का डार्क है, किसी की जो हेयर्स हैं, बाल हैं, वो कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी के वेवी हैं, डिफरेंट डिफरेंसेस हैं जो फिजिकल डिफरेंसेस के अंडर हम मेंशन कर सकते हैं। डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, देयर आर डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस लेवल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वी कैन क्लासिफाई द इंडिविजुअल्स फ्रॉम सुपर नॉर्मल अबव 120 IQ लेवल टू इडियट्स फ्रॉम 0 टू 50 IQ लेवल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंस लेवल। तो हमारे पास इंटेलिजेंस लेवल मेजर करने के हवाले से जो एक टेस्ट है आई क्यू लेवल जिसे हम निकालते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं IQ लेवल की। तो 120 से अबव वाले को सुपर नॉर्मल कहा जाता है, और इसी तरह जिनका IQ लेवल बिलो 50 होगा उनको हम बहुत, यानी यहाँ पर तो इडियट्स लफ्ज लिख दिया है, लेकिन थोड़ा हम ये कहेंगे कि कम अकल बच्चे या कम अकल इंसान। डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स, अगला जो हमारे पास डिफरेंस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वो है रवैयों का और एटीट्यूड का डिफरेंस। इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज। आप देख लें, अगर एक इंसान अपने सबऑर्डिनेट के साथ बहुत अग्रेसिव है, बहुत अथॉरिटेटिव है, तो वही इंसान जब उसका एटीट्यूड आप उसके बॉस के साथ देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। तो इंसान के अंदर भी वैरायटी है डिफरेंसेस की, कि वो खुद भी किसी जगह कैसा होता है, किसी दूसरे के सामने कैसा होता है। ठीक है, डिफरेंट लोगों के सामने, डिफरेंट चीज़ों के सामने। आप ये देख लें कि कोई काक्रोच से डर जाता है तो उसका एटीट्यूड क्या होगा, और कोई शेर के सामने भी ठीक से खड़ा हो और कोई डर ना हो, तो ये एक तरह से एटीट्यूड के डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स, इट हैज़ बीन फाउंड थ्रू अचीवमेंट्स टेस्ट दैट इंडिविजुअल डिफर इन देयर अचीवमेंट्स एबिलिटीज। दीज डिफरेंसेज आर वेरी मच विजिबल इन रीडिंग, राइट
राइटिंग एंड इन लर्निंग मैथमेटिक्स। आप खुद भी अपने आप को एज अ स्टूडेंट लाइफ, अगर दोबारा पास्ट में जाएं या अभी भी आप एज अ स्टूडेंट ही हैं इस वक्त, तो आप देखें कि आपके साथ बहुत सारे जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, उनके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। किसी की रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, किसी की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, कोई मैथमेटिक्स में बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर सकता है और कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट में। तो आप कह सकते हैं कि हर एक ही, किसी की आप देखेंगे किसी की राइटिंग इतनी खुशखत होती है कि आप उसी से लिखवाना चाहते हैं, किसी के अंदर खूबसूरत पेंटिंग बनाने की क्वालिटी होगी। तो ये अचीवमेंट के हवाले से डिफरेंसेस की एग्जांपल्स हैं। डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज, देयर आर डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज, दीज डिफरेंसेस आर विजिबल एट डिफरेंट एज। सम पीपल कैन परफॉर्म मैकेनिकल टास्क ईजीली वाइल अदर्स, इवन दो दे आर एट द सेम लेवल, फील मच डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग टास्क दीज टास्क। अब हम एग्जाम्पल लेंगे कि घर में अगर आप देखें कि बहुत सी खवातीन हैं मेरे समेत जो एक बिजली के स्विच को मतलब चेंज कर सकते हैं, हम अपने किसी भी फैन का, ये जो पेडिस्टल फैन है या एयर कूलर हमारे यहाँ हैं या इस्त्री है, किसी भी ऐसी चीज़ का अगर आपका स्विच ख़राब हो गया है और आप तार के साथ उसको नया स्विच लेके खुद लगा सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है, तो हम मोटर एबिलिटीज़ की बात करें कि ये भी एक टेक्निकल या स्किल्स हैं या फिर आप के इंटरेस्ट के साथ ही इन एबिलिटीज़ का भी जो है ना फ़र्क वो होता है। डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, अब हम देखेंगे कि जेंडर वाइज क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेंसिंडेमर एंड टर्मेन डिस्कवर्ड द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडीज। वुमेन हैव ग्रेटर स्किल इन मेमोरी व्हाइल मेन हैव ग्रेटर मोटर एबिलिटी। खवातीन के पास याद रखने के लिहाज से याददाश्त उनकी ज़्यादा अच्छी है, जबकि आदमियों की जो अभी हमने पीछे मोटर स्किल की बात की थी वो वाली सलाहियत उनमें ज़्यादा पाई जाती है। हैंड राइटिंग ऑफ वुमेन इज सुपीरियर वाइल मैन एक्सेल इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स। ठीक है, तो हैंड राइटिंग जो है वो खवातीन की सुपीरियर है इनकी रिसर्च के मुताबिक, और आदमियों के जो है वो मैथमेटिक्स और लॉजिक्स जो ज़्यादा बेहतर हैं। वुमेन शो ग्रेटर स्किल इन मेकिंग सेंसरी डिस्टिंक्शंस ऑफ टेस्ट, टच एंड स्मेल, वाइल मैन शो ग्रेटर रिएक्शन एंड कॉन्शियस ऑफ साइज वेट इल्यूजन। यहाँ पर देख लें तो आप यानी जो फाइव सेंसेस हैं वो खवातीन की ज़्यादा बेहतर काम करती हैं, उनके अंडर जो स्किल्स आती हैं, और आदमियों के हवाले से उन्होंने कहा जी वो जो है वो साइज वेट और एल्यूजन के लिहाज से ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। वुमेन आर सुपीरियर टू मैन इन लैंग्वेज वाइल मैन आर सुपीरियर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलें जी सब्जेक्ट्स की भी बात हो गई। वुमेन आर बेटर देन मैन इन मिरर ड्राइंग, फॉल्ट्स ऑफ स्पीच इन द मैन वर फाउंड टू बी 3 times of such faults in women। यानी इस काम में जो मिरर ड्राइंग की बात हो रही है, खवातीन बेहतर हैं और बंदों में निस्बतन 3 गुना गलतियाँ पाई गई इस एक्टिविटी के दौरान। वुमेन आर मोर सक्सेप्टिबल इन टू सजेशन वाइल देयर आर 3 times एज मैनी कलर ब्लाइंड मैन एज दे आर वुमेन। यानी ख़वातीन की नस्बत आदमियों को रंगों की पहचान भी कम होती है। रेशियल डिफरेंसेस, अब हम देखते हैं नस्ली इम्तियाजात। देयर आर डिफरेंसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस ऑफ एनवायरनमेंट इज अ नॉर्मल फैक्टर इन काजिंग दीज डिफरेंसेस। कॉल ब्रिगम हैज composed a list of the basis of differences in level of intelligence among people who have migrated to United States from other countries on the basis of these average differences between the races
The mental age of particular individual cannot be calculated since this difference is based on environment. बिल्कुल ठीक है. यहाँ से अगर कोई पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट हिजरत कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, तो जो एनवायरनमेंट उसने वहाँ पर देखना है, जो फैसिलिटीज उसने वहाँ पर देखनी है, जो लाइफ वो वहाँ गुजारेगा, वो उसके जो यहाँ के पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी जिन्होंने बाहर ट्रैवल नहीं किया होता, उन सब से उसकी जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट हो जाएगा, उसकी थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा. तो ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर तो होते ही हैं डिफरेंसेस के लिहाज. डिफरेंसेस ड्यू टू इनकम स्टेटस, अब हम बात कर रहे हैं आमदनी के हवाले से. डिफरेंसेस इन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट्स टेंडेंसीज एंड कैरेक्टर्स आर कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डिफरेंसेस. अब आप देखें कि यहाँ आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बच्चों के पास अगर मुख्तलिफ टॉयज हैं, अगर हम बच्चों को ये परचेज करके ही नहीं दे पाएंगे, तो उनके अंदर वो टेंडेंसी कैसे डिवेलप होगी, वो इंटरेस्ट कैसे डिवेलप होगा कि वो म्यूजिशियन बने या वो कोई कंप्यूटर पे काम करने वाले, उस तरह के डिजिटल स्किल्स जिनके पास हों, या फिर मज़ीद बेहतर हो सकें. स्किल्स तो वो डेवलप कर सकते हैं किसी साथ वाले के बच्चे के ट्वाइस से खेल के या उस तरह से, लेकिन उनमें बेहतरी और परफेक्शन जो है वो उनकी अपनी चीज़ से आएगी, और उसके लिए ज़ाहिर है इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है. और दसवां डिफरेंस है डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट्स. फैक्टर्स सच एज सेक्स, फैमिली बैकग्राउंड, लेवल ऑफ डिवेलपमेंट, डिफरेंसेस ऑफ रेस एंड नेशनैलिटी कॉज डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट. साफ जाहिर है हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं कि ये लड़कियां हैं तो ये काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है, और उनका हम समटाइम्स इंटरेस्ट भी हो तो हम उन्हें उस फील्ड में नहीं जाने देते हैं, तो उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो चेंज करना पड़ता है उन्हें. फैमिली बैकग्राउंड ऑफ कोर्स, बहुत सारी बातें हम पिछले चैप्टर्स में इस हवाले से कर चुके हैं कि कौन कौन से कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो हमें हमारे इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी तरह से जो डिफरेंसेस ऑफ रेस है, नेशनैलिटी है, ये सारे डिफरेंसेस हमें एक परफॉर्म करने में, लाइफ में बिहेव करने में डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से. इमोशनल डिफरेंसेस की बात करते हैं. इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर इमोशनल रिएक्शंस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन. सम आर इरिटेबल एंड अग्रेसिव एंड दे गेट एंग्री वेरी सून. दे आर अदर्स हु आर अ पीसफुल नेचर एंड डू नॉट गेट एंग्री इजीली एट अ पर्टिकुलर थिंग. एन इंडिविजुअल मे बी सो मच इनरेज्ड दैट He may be prepared for the worst crime like murder, while another person may only laugh at it. Emotional differences की बात हो रही है तो हमारे सामने बहुत सारे, हम अगर थोड़ा सा अपने जहन को हरकत दें और सोचें इस बारे में कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी एग्जाम्पल्स लें कि कौन है जो ज़्यादा गुस्से में जल्दी आ जाता है, और कौन से लोग हैं जो कूल एंड काम रहते हैं हर सिचुएशन में, हर परेशानी में, और इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो इस कदर इमोशनल हम कहेंगे वीक होते हैं, उनको हम इमोशनली वीक ही कहेंगे, जो अपने गुस्से पर काबू ना पा सकें और लोगों को कत्ल तक कर लें, क्राइम भी उसमें भी इन्वॉल्व हो जाएं, किसी भी तरह के क्राइम में. पर्सनैलिटी डिफरेंसेस की बात जहाँ तक है तो देयर आर डिफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी. इंडिविजुअल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स. स्पेंगर ऑफ फॉर एग्जांपल हैज क्लासिफाइड पर्सनैलिटीज इनटू सिक्स टाइप्स. थियोरेटिकल पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस. जंग क्लासिफाइड पीपल इनटू थ्री ग्रुप्स. यहाँ पहले हमने सिक्स ग्रुप्स देखे स्पेंगर के, और अब हम जंग के देख रहे हैं. इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स एंड एम्बीवर्ट्स. डिफरेंसेस ड्यू टू नेशनैलिटी.
यहाँ पर आप तस्वीर में भी डिफरेंट नेशनल नेशनल जो है लोग हैं उनकी तस्वीरें देख रहे हैं. इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिफरेंसेस, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी. रशियंस आर टॉल एंड स्टाउट. सेलोनस जो श्रीलंकन हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट एंड स्लिम होते हैं. जर्मन्स हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर. येलो रेसेस आर क्रूअल एंड रिवेंजफुल. अमेरिकन्स आर हार्डी एंड फ्रैंक. इंडियंस आर टिमिड एंड पीस लविंग. एंड द लाइक ऑब्जर्वेशन एंटर इनटू आवर कॉमन टॉक. इंडियंस के बारे में तो जो डिफरेंस बताया गया है उससे पता नहीं हम लोग एग्री करते हैं कि नहीं, पीस लविंग है. बहरहाल ये थोड़ी से डिफरेंसेस थे जो नेशनैलिटी वाइज हमारे सामने हैं. कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हेरिडिटी. सम हेरिडिटिकल ट्रेट्स बीइंग अ चेंज फॉर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. एन इंडिविजुअल्स हाइट, साइज, शेप एंड कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ फेस, नोज, हैंड्स एंड लेग्स, सो टू से द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज determined by his heritical qualities. Intellectual differences are also to a great extent influenced by heredity factors. ये हम शुरू में भी ये बात कर चुके हैं कि किस किस तरह की जो differences हैं वो heredity में आते हैं और इनको हम physical differences भी कह सकते हैं. Environment. Environment bring, ये अब हम दूसरी type पढ़ रहे थे. हमने मेन टाइप्स पढ़ी थी जो डिफरेंसेस की, उनमें हेरिडिटी भी पढ़ी थी और एनवायरनमेंट के हवाले से अब हम देख रहे हैं. एनवायरनमेंट ब्रिंग्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, एक्टिविटीज, एटीट्यूड एंड स्टाइल ऑफ लाइफ करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी. एनवायरनमेंट डज नॉट रेफर ओनली फिजिकल सराउंडिंग्स बट ऑल्सो इट रेफर्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, सोसाइटी, देयर कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल हेरिटेज, आइडियाज एंड आइडियल्स. एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जी, हमने देखा यहाँ पर ना सिर्फ इर्द गिर्द की फिजिकल सराउंडिंग की बात हो रही है बल्कि जो लोग हैं इर्द गिर्द. अब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे गार्डन में बैठे हैं और आपके इर्द गिर्द कोई लड़ाका लोग लड़ रहे हों तो आप एनवायरनमेंट की जो खूबसूरती है उसको तो इन्जॉय नहीं कर सकेंगे. जाहिर है उसमें लोग जो मौजूद हैं वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं. और इसी तरह सोसाइटी, फिर उस सोसाइटी का और लोगों का कल्चर, रिवाजात, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, और सोशल हेरिटेज जो हम लेकर चले होते हैं, और फिर आइडियाज़, लोगों के आइडियल्स, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट बनाती हैं. रेस एंड नेशनैलिटी की बात हो रही है तो रेस एंड नेशनैलिटी इज़ वन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडियंस आर वेरी पीस लविंग. चाइनीज आर क्रूअल. Americans are very frank due to race and nationality. अब ये it's up to you कि यहाँ पर आप अपने तौर पर कौन सी examples लिख सकते हैं अपने paper पर या अपने assignments में. अब हम gender की बात करते हैं तो due to sex variation one individual differs from others. Men are strong in mental power. On the other hand, women on the average show small superiority over men in memory, language and aesthetic sense. Women excel the men in shouldering social responsibilities and have a better control over their emotions. यहाँ पर पीछे हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं तो सिर्फ एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया होगा, वो ये कि ख़वातीन जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में मर्दों से थोड़ी बेहतर हैं और उनको ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने इमोशंस पर. एज के हवाले से हम डिफरेंस देखेंगे. एज इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ responsible in bring individual differences. Learning abilities and adjustment capacities naturally grow with age. When one grows in age can acquire better control over our emotions and better social responsibilities. When a child grows then this maturity and development goes side by side.
तो आप अपने खुद पर नज़र डालें तो जो आज आपकी एज है उस हिसाब से आप अपने से 10 साल पीछे वाली अपनी एज जो स्पेन था उसको सोचें और जहन में लाएं, तो आपको लगता है कि आपके जो उस वक्त का लर्निंग पैटर्न था, एबिलिटीज थी, कैपेसिटी थी एडजस्टमेंट की आपकी, वो कम थी और अब पहले से बेहतर हुई है। मेच्योरिटी के साथ साथ आपके अंदर एडजस्टमेंट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये सारे जो फर्क हैं एज की वजह से भी होते हैं। अगर आप कहें कि आप 5 साल के बच्चे के साथ सेम उससे एडजस्टमेंट कैपेसिटी की तवक्को करें जो आप 10 साल के बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने स्टूडेंट्स में, क्लास में भी जो एज डिफरेंसेस हैं उनको देख के उनके हिसाब से उनके साथ डील करना होगा। एजुकेशन इज वन मेजर फैक्टर विच ब्रिंग्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देयर इज अ वाइड गैप इन द बिहेवियर्स ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्संस। All traits of human beings like social, emotional and intellectual are controlled and modified through proper education. तो जो इंसान की खूबियां हैं ह्यूमन बींग की, वो सारी डिफरेंट हो जाती हैं एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन्स की, जिसमें सोशल लाइफ में, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में, हर लिहाज से जो है वो डिफरेंट होते हैं पर्सन्स एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ इसका क्या किरदार है एजुकेशनल सिनेरियो में, क्लासरूम्स में डिफरेंसेस जो हैं वो, ये वाले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनका क्या किरदार है। लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास। जनरली देयर आर 50 और मोर देन 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इन सच अ लार्ज क्लास इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर टू पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स। द साइज ऑफ द क्लास शुड बी स्मॉल। इट शुड बी डिवाइडेड इन टू वेरियस यूनिट्स सो दैट आफ्टर क्लास रूम वर्क देयर वेरियस डिफिकल्टीज मे बी फाउंड आउट। क्लियर है यहाँ तक। और प्रॉपर डिविजन ऑफ द क्लासेज। नाउ देयर आर सेपरेट क्लासेज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस। वाइल ब्रिंग अबाउट दिस क्लासिफिकेशन द टीचर शुड कीप इन माइंड द डिफरेंसेज इन एज, इंटरेस्ट, इमोशनल एंड सोशल क्वालिटीज़। वो कह रहे हैं कि अगर IQ लेवल के हिसाब से भी सेम लेवल की कोई क्लासिफिकेशन बच्चों की करके और उनका एक ग्रुप बना लिया गया है, तो तब भी टीचर को चाहिए कि वहाँ पर वो जो दूसरे डिफरेंसेस हैं उनको जहन में रखे, जैसा कि एज डिफरेंस, इंटरेस्ट डिफरेंस और इमोशनल डिफरेंसेस को, ठीक है, इसी तरह सोशल क्वालिटीज को भी। होम टास्क में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखना चाहिए। टीचर जब होमवर्क असाइन कर रही हो, द टीचर शुड असाइन होम टास्क टू द स्टूडेंट्स वाइल कीपिंग इन द व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फैक्टर ऑफ सेक्स, बॉयज एंड गर्ल्स आर टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी, हेंस द फैक्टर ऑफ सेक्स शुड बी कैप्ट इन द माइंड। जब आप होमवर्क दे रहे हैं या आप क्लास में बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो आपने बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेम जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते हैं। समटाइम्स कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट ही होती हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की। इसी तरह से उनके जो सोसाइटी में रोल जाके वो प्ले करने वाले हैं बड़े होकर, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी तरबियत की जाए और उनको एजुकेट किया जाए। करिकुलम के हवाले से अगर हम बात करें, तो द करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड टू सूट द नीड्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रन। अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम सो दैट एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू ईच चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, नीड्स एंड एबिलिटीज। करिकुलम शुड नॉट बी रिजिड बट इट शुड बी फ्लेक्सीबल। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो यहाँ हम ये भी कहेंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं एक ही क्लास में अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लें फिजिक्स की, बायो की, तो जो आप ग्रेड लेवल 11 एंड 12 पर जो करिकुलम दे रहे हैं, वहाँ पर आप इस चीज़ को जहन में रखें कि कुछ बच्चे क्लास में जो हैं उनका IQ लेवल ज़्यादा होगा, कुछ का कदरे कम होगा। उन सब की सेटिस्फेक्शन उस करिकुलम में होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी और हलवा सब्जेक्ट हो और उसका मटेरियल हो जो कंटेंट है, और कुछ के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो और सबके ही समझ में ना आ रहा हो, तो इस तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम जो है वो उसकी बात की गई है यहाँ पर।
Method of teaching is, of course, another aspect where we have to keep in mind individual differences. Methods of teaching should be chosen on the basis of individual differences. It is not advisable to use the same method of education in the case of all children gifted or backward. अगर सारे बच्चे ही बहुत फतीन हैं या सारे ही थोड़े कम अकल हैं, उन सब के साथ भी इवन आप बराबर एक ही टीचिंग मेथड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने पिछली लेक्चर के पार्ट में देखा है कि इसके अलावा भी डिफरेंसेस होते हैं. आईके लेवल और इंटरेस्ट और जहानत के अलावा भी तो डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे डिफरेंसेस को देखा था. आपके सोसाइटी में जहाँ से वो आ रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, और उसी लिहाज से उनकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, एडजस्टमेंट कैपेसिटी कैसी है, इस सारी को देखते हुए टीचिंग मेथड को आपने चूज़ करना है. और वैरायटी ऑफ मेथड्स को मिक्स करके आपने एक मेथड बनाना होगा अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स नीड. एजुकेशनल गाइडेंस, टीचर शुड इम्पार्ट educational guidance to the students while keeping in view their individual differences. He can assist them in the selection of the educational career, selection of subjects, selection of books, selection of hobbies and co-curricular activities, and in many other areas connected with education. ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियर है ये सारा पैराग्राफ educational guidance के हवाले से कि टीचर ने कौन कौन सा रोल प्ले करना है. वोकेशनल गाइडेंस में, वाइल कीपिंग इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द टीचर कैन गाइड द स्टूडेंट्स इन द वोकेशन दैट दे शुड अडॉप्ट. कौन कौन सा वोकेशन पेशा है जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं? आप बच्चों को 5-6 साल तक जब पढ़ाते हैं, उनके साथ होते हैं, तो आपको उनके जो कैपेसिटी है बच्चों की और जो इंटरेस्ट है या जो उनके अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं, वो ज़्यादा बेहतर पता होती हैं कि आप बेहतर टीचर बन सकते हैं या बेहतर उस्ताद, अपना टेलर बन सकते हैं या बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं. कौन कौन सी आपके अंदर जो टेंडेंसीज पाई जाती हैं? एजुकेशनल प्रोविजंस, वेदर मे बी द कॉजेज, वट एवर मे बी द कॉजेज, चिल्ड्रन डिफर इन देयर लर्निंग एबिलिटीज. It is the duty of and responsibility of any school system to provide for these differences. Every child is helped to rise to a high quite commensurating with his own abilities. The following are a few of the important steps that a school might take up in this directions: general provisions and स्पेशल प्रोविजन्स. जनरल प्रोविजन्स में हम देखेंगे, एवरी इंडिविजुअल्स एबिलिटी शुड बी असेस्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. हर इंसान के अंदर जो जो सलाहियत पाई जाती है, उसको कोशिश की जाए कि उसको एक्यूरेट असेस किया जाए, उसको एवेलुएट किया जाए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट, जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि कोई बच्चे बहुत अच्छे आवाज़ के मालिक होते हैं, तो हम उन्हें अच्छे नात खान बनाते हैं. किसी की किरत बहुत अच्छी होती है, किसी के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से सलाहियतें होती हैं, तो इन चीज़ों को जज करना, असेस करना पहले क्लास टीचर का काम होता है, फिर उसके बाद पूरी स्कूल की जो टीम हम कहेंगे, पूरे स्कूल का जो किरदार है उसमें वो आता है. एजुकेशनल प्रोविजन्स मस्ट बी कंटिन्यूअस. एडिक्यूएट फैसिलिटीज एंड मटीरियल्स आर नीडेड. कॉम्पिटेंट स्कूल स्टाफ इज नीडेड. हाँ जी बिल्कुल, आपका जो स्कूल का स्टाफ है वो ही जनरल प्रोविजन्स में अहम किरदार अदा करता है. इंडिविजुअलाइजेशन इज नेसेसरी. लोगों को आप असाइन करें टास्क के, कौन टीचर या कौन स्कूल का स्टाफ मेंबर है जो सारे स्पोर्ट्स के हवाले से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा, असेस करेगा और जज करेगा. इसी तरह से कोई नात खानी की तैयारी के हवाले से देखेगा, और इस तरह से कोई जो है वो स्टूडेंट्स के राइटिंग कंपटीशन में जाने के बारे में सिलेक्शन करेगा. नीड ऑफ एडल्ट एजुकेशन. अब हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजन. स्पेशल प्रोविजन्स फॉर द गिफ्ट टैलेंटेड चिल्ड्रन, एजुकेट द गिफ्टेड चिल्ड्रन. प्रोविजन्स फॉर द स्लो लर्नर्स, आपके पास जो कम स्पेस, कम स्पीड से सीखने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी तो कोई
प्लान होना चाहिए ना। आइडेंटिफाइंग द स्लो लर्नर्स, पहले उनको आइडेंटिफाई करें, फिर उनको स्पेशल जो है उनके लिए कोचिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन हो उनकी, अगर वो फिजिकली उनको कोई नीड है उनकी हेल्थ के इश्यूज के हवाले से, और अगर आप उनकी लर्निंग के हवाले से है, तो फिर टीचर जो है वो उसमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में तब्दीलियाँ लाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट स्लो लर्नर स्टूडेंट। लर्निंग हैंडीकैप्स इज एक्सेप्शनल इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, प्लेसमेंट विद अ टीचर, अवॉइड कंपटीशन, उनके कंपटीशन से अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो लोग अभी उनको आपको अच्छे से नॉर्मल स्टूडेंट लेवल पर लाए, फिर भी कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हो। रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा कि स्पेशल वॉचिंग के लिए कोचिंग का टीचिंग के हवाले से जो है टाइम टेबल होना चाहिए। नॉन प्रमोशंस आर डिसएडवांटेज चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन के हवाले से बात की गई है कि जो डिफरेंसेस में आप देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो स्लो लर्नर हैं उनके साथ किस तरह से आपने डील करना है। मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे कर सकते हैं। मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ अ नंबर टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल। दिस मे रिप्रेजेंट समथिंग फिजिकल और अ वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रिसीव योर स्कोर इन मेडिकल और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। आप देखते हैं आप लोगों के जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में दाखिले के हवाले से जो टेस्ट होते हैं वो मेजरमेंट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की आपकी, के कौन स्टूडेंट हैं जो वो इसके आगे इस कोर्स में एडमिशन लेने के अहल हैं। इन ऑर्डर टू ड्रा मीनिंगफुल कंपेरिजन मेजरमेंट मस्ट बी मीनिंगफुल। मेजरमेंट जो है वो लाजमी मीनिंगफुल होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव मीनिंग ऑल मेजरमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई टू बेसिक क्राइटेरियाज, क्या उनमें रिलायबिलिटी हो, उनमें वैलिडिटी हो, जो टेस्ट जो मेजरमेंट की जा रही है उसकी उसके अंदर। टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ हमने जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर भी हमने इन टेस्टों की बात की थी। दीज टेस्ट मेजर द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर परफॉर्मेंस, मेजर्स द फॉलोइंग एबिलिटीज़, कौन कौन सी एबिलिटीज़ को मेजर किया जा सकता है जब हम जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं। उसमें वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेस रिलेशंस, मैकेनिकल रीजनिंग, क्लेरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट होता है, लैंग्वेज यूजेज का टेस्ट होता है। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक एंड खुदर्स प्रेफरेंस रिकॉर्ड, वोकेशनल आर सम ऑफ द इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज दैट कैन बी यूज टू मेजर डिफरेंसेज अमंग इंडिविजुअल्स इन देयर इंटरेस्ट। ये कुछ टेस्टों के नाम हैं जो आपकी जनरल एबिलिटी जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ को चेक करने के हवाले से कुछ टेस्ट डिज़ाइन किए गए थे, उनके नाम दिए गए हैं जो खुदर ने टेस्ट किए बनाए थे और उनको इन्वेंट्रीज का नाम दिया था। टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी द MMPL बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, प्रोजेक्टिव टेस्ट लाइक रोशे इंक बॉलेट टेस्ट, थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट एंड अदर क्वेश्चनायर्स कैन बी यूज टू मेजर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर एंड एडजस्टमेंट एंड डिफिकल्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर ये अगेन कुछ टेस्टों के नाम बताए गए हैं। रोशे इंक ब्लॉक टेस्ट होता है, एक थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट होता है, और कुछ क्वेश्चनायर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए और डिफरेंसेस को रीड करने के लिए, उनको जज करने के लिए। कॉम्पिटेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं, मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं और ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट कैट जिनको कहते हैं, द पोर्टफोलियो अप्रोच एंड ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर। करिकुलम टेस्टिंग, वर्चुअली एनी करिकुलम दैट इज मोर देन 5 years ओल्ड रिक्वायर्स अ थ्रू एवेल्युएशन। जब भी 5 साल से ज़्यादा एक करिकुलम
जो है वो यूज़ हो चुका हो तो उसको एक एवेल्यूएशन और एक रिवीजन की ज़रूरत होती है. दिस इज़ मोस्ट ऑब्वियस इन फील्ड सच एज साइंस बट शुड बी डन इन ऑल एरियाज. बहुत ज़्यादा जो नुमाया है फील्ड साइंस की है जिसमें इसको लाजमी 5 साल के अंदर रिवाइज़ करना चाहिए, लेकिन सारे सब्जेक्ट सारे करिकुलम को ही रिवाइज़ करना बेहतर होता है. दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग शोन आंसर द फॉलोइंग टू व्हाट डिग्री हैव द करिकुलम्स गोल बीन रीच्ड. किस लेवल तक जो करिकुलम के गोल थे मकासिद थे वो पहुंच चुके हैं. इज़ द करिकुलम कंटेंट अप्रोप्रिएट इन व्यू ऑफ द मिशंस ऑब्जेक्टिव्स. जो भी उस कोर्स के मिशन था, किसी को डॉक्टर बनाना था, किसी को इंजीनियर बनाना था, टीचर बनाना था, तो क्या वो उसका जो कंटेंट है 5 साल 10 साल से वो अब इस काबिल है कि आजकल के बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर या बना सके जो भी वो बनना चाह रहे हैं. उस हवाले से हैज़ द इंस्ट्रक्शंस बीन ट्रूली बेस्ड ऑन द करिकुलम. जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के हवाले से बात होती है तो क्या वो उस करिकुलम में जो आज से फ़र्ज़ कर लें 20 साल पहले टीचिंग मेथड था, लेक्चर मेथड था, टीचर सेंटर्ड था, तो क्या आजकल के ज़माने में वही कंटेंट उसी तरीके से पेश किया जा सकते हैं. हैज़ द असेसमेंट मेजर्स द टॉट करिकुलम और प्लान. तो किस तरह से उस पढ़ाए हुए और प्लान किए हुए करिकुलम को क्या अब हम असेसमेंट कर सकते हैं उस तरीके से, जैसे कि अब हमारा देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम में. जबकि जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे 9th 10th के तो तब ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ भी नहीं था. तो इसी तरह से हमारा असेसमेंट का जो सिलसिला है वो भी तब्दील हुआ है. तो क्या अब हम उस पुराने करिकुलम को असेस कर सकते हैं या फिर हम पुराने तरीके असेसमेंट के यूज़ कर सकते हैं नए करिकुलम पर. डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.